जबलपुर शहर के सभी बुद्ध विहार और विविध सामाजिक धार्मिक संगठनों की ओर से इस बार दीक्षा भूमि पर संयुक्त बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। बंते ज्ञान ज्योति और इंजीनियर पीएस खोबरागड़े ने बुधवार को पत्र परिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी नागपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में धम्म रैलियां जारी हैं। हर रोज सुबह 7 बजे यह रैली शुरू होती है। इन रैलियों का समापन दीक्षा भूमि पर होगा। 16 मई को शाम दीक्षा भूमि पर बुद्ध जयंती समारोह आयोजित किया गया है। अपराह्न 4 बजे भिक्खु संघ के नेतृत्व में भीम चौक जरीपटका से विशाल धम्म रैली निकाली जाएगी। इंदौरा चौक, गड्डी गोदाम, संविधान चौक, वैरायटी चौक, लोकमत चौक और रामदास पेट होते हुए यह रैली दीक्षा भूमि पहुंचेगी। पत्र परिषद में अमन कामले, प्रीतम बुलकुंडे, विलास देश भ्रतार, कमलेश खांडेकर आदि उपस्थित थे। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। जब हम सभी, चाहे किसी संप्रदाय के लोग हो, जब हमने मनुष्य जन्म लिया तो पिछले जीवन में बड़े सजगता के साथ में सांस पर ध्यान करते करते या संवेदनाओं को उदय वय जानते जानते प्रज्ञा के आधार पर सजगता से अपनी पुरानी काया को त्याग दिया। इसीलिए कुशल विपाक उपेक्षा सहज संकीर्ण चित्त यह चित्त उत्पन्न हुआ। यही मनुष्य जन्म का मूलाधार है। ऊपरी ऊपरे तौर से हमको लगता है कि हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, लेकिन हमारे चित्त की उत्पत्ति हमारे माता द्वारा, हमारे माता पिता द्वारा नहीं की गई। हमारे स्वतंत्र अस्तित्व का ये स्वभाव होता है। जब चित्त कैसे उत्पन्न होता, हमारे वैज्ञानिकों के पास में अभी तक की कोई ऐसा उपकरण नहीं संशोधित किया गया है। तो जब भी कहीं होगा तो इसका पता लगे। तो बबल चैम्बर के आधार पर, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो बबल चैम्बर है, उन पर एक सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदियाँ लगा दी जाए, तो इतने तेज रफ्तार से ये सारी प्रकृति उत्पाद होकर के होती है। प्रकृति ये अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं के अणु परमाणु के विषय में ये गिनती है। जो मन का गिनती करने वाला, मन को देखने वाला, मन का संश्लेषण विश्लेषण विघटन और विभाजन करने वाला, अभी तक वैज्ञानिकों के पास में कोई उपकरण नहीं है। जब भी कहीं आएगा पता लग जाएगा। लेकिन चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, ये चारों विषयों में इतनी गहराई में, तलस्पर्श गहराई में जाकर के सारी बातों को भगवान बुद्ध ने समझाई। इसलिए इस जयंती उत्सव में बड़े जो माहिर लोग होते, तलस्पर्शी गहराई में जाने की प्रक्रिया में जो लाभान्वित, जो श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहत्व प्राप्त करते। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।